नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी कम्प्लीटली डिटेल में समझाता है, बताता है कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, कैसे आपको इम्पोर्ट करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करने पड़ेंगे, और सारी जानकारी आपको यहाँ पे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कि इंडिया से बांग्लादेश क्या क्या इम्पोर्ट करता है, और बात करेंगे उन टॉप 5 कैटेगरीज की जिनमें सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश इंडिया से इम्पोर्ट करता है। तो बांग्लादेश जो है हमारे इंडिया से के बॉर्डर से लगा हुआ देश है, जहां की पॉपुलेशन करीब 170 मिलियन लोगों की है, और देखा जाए तो एक इस लिहाज से काफी बड़ी कंट्री भी है, और एक्सपोर्ट करने के लिहाज से भी अगर इंडिया की नेबरिंग कंट्री है तो उसमें भी हमें फायदा रहेगा कि हमारे आस पड़ोस की कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। रिसेंटली ट्रेड की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड जो रहा है करीब करीब 11 से 12 मिलियन डॉलर का रहा है। इनमें से जो इंडिया मेजरली जो प्रोडक्ट बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है वो आपका होता है कॉटन है, सीरियल्स है, फ्यूल्स है, मशीनरीज है, एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। काफी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेबरिंग कंट्री होने का यही फायदा है कि हम बहुत इजीली आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर पाते हैं। बांग्लादेश और इंडिया जो है 4096 किलोमीटर की आपस में बॉर्डर को शेयर करते हैं, जो इंडिया के करीब करीब 5 स्टेट को लगती है, जिसमें आपका आता है आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में सबसे पहले तो यही है कि आप वहां पे जो है आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। नियर बाय कंट्रीज तो कई लोग वहां पे हिंदी भी समझते हैं। दूसरा ये कि आप वहां पे छोटी या बड़ी कोई भी क्वांटिटी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मिनिमम क्वांटिटी की कोई ज्यादा वहां पे दिक्कत नहीं आती है। बांग्लादेश में क्या है, एयरपोर्ट भी है, तो आप बाई एयर भी जो है 1 टन 2 टन 3 टन के भी शिपमेंट वहां पे कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है कि आप वहां पे इंडियन रुपीज में भी जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चौथा फायदा यह है कि आप जो है वहां पे विजिट कर सकते हैं, नेबरिंग कंट्री है तो वहां जाने का खर्चा ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से आप वहां जा सकते हैं, बायर से मिल सकते हैं, अपनी डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। पांचवा फायदा यह है कि बांग्लादेश जो है अपनी जरूरतों का करीब करीब काफी सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया से इम्पोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया उसका नेबरिंग कंट्री है, जो मोस्टली प्रोडक्ट जो है बहुत इजीली जो है इंडिया से वहां पे पहुंचाए जा सकते हैं। बांग्लादेश सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करता है चाइना से, फिर इम्पोर्ट करता है इंडिया से। तो 6 बेनिफिट हमारा ये है कि हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को, और हमारे प्रोडक्ट जो है काफी टिकाऊ है और काफी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं। अब जो है इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड जो है बांग्लादेश और वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। बात कर लेते हैं बांग्लादेश किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यूज कर सकते हैं। तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने के लिए जो है हम बाय एयर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाय रोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बाय सी भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे हम कुरियर के द्वारा भी जो है बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाय एयर की अगर हम बात करें तो आप वहां पे कोलकाता एयर से, क्योंकि कोलकाता से और बांग्लादेश में बहुत अच्छा ट्रेड होता है, मोस्टली ज्यादा ट्रेड कोलकाता और बांग्लादेश से होता है, क्योंकि कोलकाता में जो बंगाली बोली जाती है तो वहां पे भी बांग्लादेश में बंगाली लैंग्वेज जो है बोली जाती है, इसलिए वहां पे थोड़ा सा इजी ट्रेड हो जाता है। बाय एयर जो है कोलकाता एयर से कर सकते हैं, अहमदाबाद एयर से कर सकते हैं, उसके अलावा आप जो है दिल्ली एयरपोर्ट से कर सकते हैं, मुंबई एयरपोर्ट से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। बाय रोड जो एक्सपोर्ट होता है वो महादीपुर एलसीएस से होता है, जो कि वेस्ट बंगाल में होता है, लैंड बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा घोजाडंगा जो आपका वेस्ट बंगाल में, वहां से भी आप लैंड बॉर्डर के थ्रू एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और आप पेट्रापोल वेस्ट बंगाल से भी जो है एक्सपोर्ट बाय बॉर्डर जो है बाय रोड जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां से जो बॉर्डर लगती है वहां से आप आराम से एक्सपोर्ट बांग्लादेश में कर सकते हैं। बाय सी की हम बात करें तो हम मुंद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम जेएनपीटी पोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम कांडला पोर्ट से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बाकी हम चेन्नई और कृष्णापट्टनम पोर्ट से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट मोस्टली जो एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश में वो मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट और जेएनपीटी मुंबई पोर्ट से ही एक्सपोर्ट होता है। तो बाय सी आप इन पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। बात करते हैं इंडिया से बांग्लादेश क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्या कैटेगरीज है, क्या टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो आप इंडिया से बांग्लादेश में जो है आप एक्सपोर्ट
कर सकते हैं। बांग्लादेश जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है, एक तरीके से काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कपड़े बनाती हैं उनके सभी के ज्यादातर प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है बांग्लादेश में, क्योंकि वहां की इजी ट्रेड पॉलिसी है कपड़े के लिए। तो एक तरीके से कपड़े का जो है बहुत बड़ा मार्केट है बांग्लादेश, और कपड़ा जो है वहां से बहुत ज्यादा रेडीमेड गार्मेंट जो है मोस्टली वहां से बहुत कुछ एक्सपोर्ट होते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि जब बांग्लादेश जो है फिनिश गुड तैयार करता है रेडीमेड गार्मेंट के, काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की वहां पे फैक्ट्रीज है, तो उनको उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक आप कॉटन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिस मशीनरी पे वो बनाते हैं लाइक टेक्सटाइल की मशीनरी वगैरह जो यूज करते हैं वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में आप जो है जैसे शर्ट बनती है, शर्ट में लगने वाले बटन, बटन के साथ साथ और भी जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रिंटिंग वगैरह के, आपकी प्रिंटिंग की मशीनरीज जो आप भेज सकते हैं, लाइक टी शर्ट होती है, टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग होती है, तो प्रिंटिंग के लिए आप पैटर्न्स डिजाइन उसको भेज सकते हैं, उनकी मशीनरीज आप भेज सकते हैं, मशीनरी का कोई भी टेक्सटाइल मशीनरी होती है उनके पार्ट्स वगैरह भी जो है आप यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो जो आपको ये देखना पड़ेगा वहां पे क्या चीज ज्यादा चलती है और उसको उसके लिए क्या क्या चीजों की और अलग से जरूरत पड़ती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो उसके लिए आप यहाँ से धागा जो होता है वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल लाइक सिल्क के या अलग काइंड ऑफ फैब्रिक जो है वो भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो वहां पे उसको यूज करके और जो फिनिश गुड जो कपड़ा बनाते हैं वो उसमें उसको यूज ले लेते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट जो है देखा जाए तो बांग्लादेश जो है 80-90% करीब करीब मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे है, तो मुस्लिम कम्युनिटी होने की वजह से आप वहां पे जो है मुस्लिम कैप्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में आप वहां पे जो इत्र वगैरह जो आते हैं और परफ्यूम्स जो हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में कम्युनिटी में जो इंसेंस स्टिक काफी सारी जगह पे अब उनके धार्मिक स्थलों पे यूज की जाती है, तो आप इंसेंस स्टिक का भी आप यूज कर सकते हैं। साथ में आप जो कारपेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिनमें नमाज वगैरह पढ़ने के लिए घरों में भी काफी सारे लोग जो है दरी और कारपेट्स का यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो बांग्लादेश खुद में जो है कृषि संपदा वाला देश है, काफी सारे हेक्टेयर में वहां पे भी एग्रीकल्चर लैंड है और वहां पे खेती की जाती है, पर वो काफी कुछ नदियों से घिरा हुआ देश होने के कारण जब वहां पे ज्यादातर जो है बाढ़ के हालात आ जाते हैं तो, और ऐसे हालातों में जो है वहां पे काफी सारी फसलें जो है चौपट हो जाती है, काफी सारी फसल जो है गल जाती है और वो नष्ट हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एग्रो कमोडिटी भी बांग्लादेश काफी अच्छा इम्पोर्ट करता है, तो आप यहाँ से राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइस के साथ साथ आप वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, के साथ साथ आप डिफरेंट काइंड ऑफ जो एग्रो कमोडिटीज वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मोस्टली वेजिटेबल जो वेस्ट बंगाल से काफी सारी वेजिटेबल जो है बांग्लादेश में भेजी जाती है, फ्रूट्स भी काफी सारे बांग्लादेश में भेजे जा सकते हैं, तो आप यहां से जो है ये एग्रो प्रोडक्ट और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो प्रोडक्ट है वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वहां खेती भी बहुत सारी होती है, तो आप यहां से जो खेती में यूज होने वाले जो डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरीज होती है लाइक आपका ट्रैक्टर हो गए हैं, ट्रैक्टर्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रैक्टर के ट्यूब्स और टायर्स भी यहाँ से काफी सारे एक्सपोर्ट होते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर में जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेसर्स वगैरह जो होते हैं, जो मशीन क्लीनिंग जो प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए जो मशीनरीज होती है वो भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कोई भी नया अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत हो सकता है तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी वहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में आप फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसमें आप ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों टाइप्स के जो है फर्टिलाइजर आप भेज सकते हैं। एग्रो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो केमिकल दवाइयां जो होती है पेड़ पौधों पर छिड़कने के लिए वो भी आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स जो है अगर एग्रीकल्चर के वहां पे एग्रीकल्चर की वहां डिमांड है बहुत कुछ तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स जो है यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बीज भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसमें फ्रूट्स के भी होते हैं, वेजिटेबल के बीज कर सकते हैं, या जो भी आप एग्रो कमोडिटी लाइक आपका कोई भी गेहूं हो गया है, चना हो गया है, दालें हो गई है, या आप और भी जैसे धनिया हो गया है तो, और इनके जो भी मक्का हो गई है तो इनके भी आप जो है सीड्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे बांग्लादेश जो है एक तरीके का इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। तो हमारा जो पांचवा प्रोडक्ट है वो है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लांट में लगने वाले डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीनरी भी आप वहां भेज सकते हैं, लाइक जैसे वहां पे बहुत बड़े बड़े यूनिट से जो कपड़ा बनाती है तो उनसे रिलेटेड आप मशीनरी यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब टेक्सटाइल मशीनरीज आप भेज सकते हैं। टेक्सटाइल मशीनरीज में जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स होते हैं, टेक्सटाइल मशीनरीज के पार्ट्स यहां से काफी एक्सपोर्ट होते हैं वो आप भेज सकते हैं,
और उसके अलावा प्लांट को डिजाइन करने के लिए आप स्टील आयरन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप भेज सकते हैं, और काफी सारे जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री के अंदर जो यूज आती है काफी अलग अलग मशीनरी, तो वो भी आप यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जो है बनाने पड़ेंगे अगर आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो कॉमन डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो कॉमन डॉक्यूमेंट जो है आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा, और जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपको आरसीएमसी लेना पड़ेगा, फिर एडी कोड जो है आपको पोर्ट पे रजिस्टर कराना पड़ेगा, और इसके बाद जो है आप यहां से एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जो ऐसा रहेगा आपका, आपको इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनानी रहती है, अगर आपका कोई बाई सी जा रहा है तो उसमें फ्यूमिगेशन और पाइजोसैनिटरी सर्टिफिकेट वगैरह सब आपके लगेंगे। फूड आइटम, कोई प्रोसेस फूड अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रोसेस फूड के लिए आपको फसाई लाइसेंस यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ आपका इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनेगा, सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनेगा, और साथ में आपका बिल ऑफ लेडिंग भी जो है आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको अगर आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको भेजने पड़ेंगे, और अगर आप बाहर की तरफ से भी कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं तो वो भी आप जो है बाहर से पूछ के और फिर बना सकते हैं, और यहां से फिर आप बाहर को भेज सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोसीजर की, किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर बहुत सिंपल है बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आप तीन मोड जो है यूज कर सकते हैं, बाय एयर, बाय रोड और बाय शिप। तो इन मोड से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको मार्केटिंग करनी है, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको कर लेना है, सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, उसके बाद आपको वहां पे बायर्स ढूंढना है, चाहे आप वहां विजिट करके ढूंढे या आप डेटा कलेक्ट करके ढूंढे, वो 50 कमेंट जो हमारे रहेंगे उनको हम जो है बायर का डेटा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप जो है सिंपली बायर को ढूंढ लें, उनसे डील को फाइनलाइज करें, डील को फाइनलाइज हो जाने के बाद आप यहां तैयारी करें, पेमेंट आप ले लें, एडवांस पेमेंट पे अगर आप काम करते हैं तो पेमेंट आप अपने अकाउंट्स में डलवाएं, उसके बाद जो है आप यहां पे मटेरियल को तैयार करें, मटेरियल को तैयार होने के साथ आप वेसल बुक करें, अगर आपका बाई शिप जाना है तो, और अगर बाय रोड जाना है तो आप किसी भी ट्रांसपोर्ट वालों से बात करें, फिर आप वहां पे अपनी गाड़ी को अपनी फैक्ट्री में बुला के अपना माल लोड करें, और बाय बॉर्डर जो है फिर आपका जो माल है बांग्लादेश पहुंच जाता है। इसमें बॉर्डर से अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको इंडियन बॉर्डर पे भी कस्टम क्लियरेंस कराना है और बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी कस्टम क्लियरेंस कराना है, साथ में आपको वहां की इम्पोर्ट ड्यूटी का भी ध्यान रखना है, वो भी आपको ही पे करनी पड़ेगी। तो आप जब भी कॉस्टिंग बायर को दें, अगर बाय रोड कर रहे हैं तो उसमें तीनों कॉस्टिंग का आप ध्यान रखें, ट्रांसपोर्ट कितना लग रहा है, उसके साथ वहां का कस्टम कितना लग रहा है, और आपके यहाँ का कस्टम कितना लग रहा है, साथ में आपको जो है वहां की इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी लग रही है, सारी जोड़ के ही बाहर को दें। बाय शिप से कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इंडिया के पोर्ट तक ही कस्टम क्लियरेंस कराना है, बाकी जब बाहर के पोर्ट पे जब माल पहुंच जाएगा तो वो खुद कस्टम क्लियरेंस करा के वहां से माल छुड़ा लेगा। तो इस तरीके से जो है आपको कम्प्लीटली शिप, तो इस तरीके से जो है आपको एक्सपोर्ट करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है। अगर आप बाय शिप करते हैं तो उसमें आपको जो है बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ओरिजिन, फ्यूमिगेशन एंड इनवॉइस पैकिंग लिस्ट ये सब बना के बायर को जो है कुरियर कर देना है, और बायर वहां पे वो डॉक्यूमेंट दिखा के अपना माल जो है छुड़ा लेगा। तो इस तरीके से आपका कम्प्लीटली प्रोसीजर होता है एक्सपोर्ट का। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ मिलकर एक्सपोर्ट करने चाहते हैं, एक्सपोर्ट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सिखाते हैं कम्प्लीटली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना, कि किस तरीके से इंडिया से बांग्लादेश और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।